ओम शांति। आज 23 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में प्यारे बाबा ने बहुत मधुर शिक्षा दी है कि तुम बच्चों को कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है और ना ही किसी बात के अहंकार में आना है। बाबा के ईमानदार बच्चे वो हैं जो कभी माया के प्रभाव में नहीं आते हैं। बाबा के ऑनेस्ट फूल वो हैं जो कभी किसी के अवगुणों को नहीं देखते हैं, सबके गुणों को देखते गुणवान बनते हैं। यहाँ पर अब बाबा बाबा कहते हो तो बाबा शब्द प्रवृत्ति मार्ग का है, तुम्हें बाबा का प्यार मिलता है। कोई भी साधु सन्यासी ऐसे बाबा बाबा नहीं कहेंगे। याद दिलाया बाबा ने, इस समय खुदा दोस्त बनते हैं। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, तुम बच्चे बाबा के साथ खेलते भी हो, खाते भी हो, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। तुम्हें भी बाबा को याद करके पापों के इस बोझ को उतार देना है। जब बाबा बाबा दिल से कहते हो तो तुम्हें कुबेर का खजाना मिल जाता है। इसी समय बाबा आकर सत्य गीता ज्ञान देते हैं। बाबा की मुरली सच्ची गीता है जो तुम्हें बहुत प्यार से सुननी है और को भी सुनानी है। बाबा को याद करते करते संपूर्ण पावन बन जाना है। इतना याद का अभ्यास करना है कि पापों का बोझा उतर जाए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे, अपार खुशी रहेगी, बुद्धि में रहेगा। बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। अंदर में बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी, बुद्धि में रहेगा। बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। क्वेश्चन है, बाबा किन बच्चों को ईमानदार फूल कहेंगे और उनकी निशानी सुनाओ। ऑनेस्ट फूल किन्हें कहेंगे, उनकी निशानी सुनाओ। ऑनेस्ट वो जो कभी भी माया के वश नहीं होते, माया की खिटखिट में नहीं आते। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं, पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरे के अवगुणों को नहीं देखते, अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरे के अवगुणों को नहीं देखते। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। वह हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाबा तो रोज रोज नई नई बातें समझाते। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत हैं, वो बाप को याद कर ना सके। बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल ना सके। ये अक्षर है ही ग्रस्त मार्ग वालों के लिए, वो तो हैं निर्वृत्ति मार्ग वाले। वो ब्रह्म को भी याद करते, मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे। भले तुम जांच करो, समझो। बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिम्यानंद आदि गीता सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि वे गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं, नहीं। वो फिर भी ब्रह्म के साथ योग लगाने वाले ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी हैं। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे, ये हो नहीं सकता। तो श्री कृष्ण गीता ज्ञानदाता नहीं, निराकार शिव बाबा गीता ज्ञानदाता हैं। शिव को सब बाबा बाबा कहते हैं, क्योंकि वो सभी का बाप है। शिव निराकार ज्योति स्वरूप सभी का बाप है। सब आत्माएं उन्हें पुकारती हैं। परम पिता परमात्मा, वह सुप्रीम परम है, क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परमात्मा कहते हैं। वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। खुद कहते हैं, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। बाबा का जन्म अवतरण होता है प्रजापिता ब्रह्मा तन में, ये दिव्य और अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुम्हें विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, ये और कोई हो नहीं सकता।
बाबा ही आते हैं, विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताते हैं, ये और कोई हो नहीं सकता। तब बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते, मैं जब अपना परिचय दूँ तब जान सकते हैं ये ब्रह्म को, तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे। आत्मा ही तो सब बच्चे ठहरे, श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे। ऐसे नहीं कि वो कोई सबके पिता हैं, हम सब ब्रदर्स हैं। ऐसे नहीं कि वो कोई सर्वव्यापक हैं, सब श्री कृष्ण थोड़े ही हो सकते। अगर सब हों तो फिर उनका बाप चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं तो नहीं जानते हैं। तब कहता हूँ, कोटों में कोई ही मुझे जानते हैं। शिव बाबा कहते, मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई जानते हैं। मैं इस समय आकर तुम बच्चों को गीता ज्ञान देता हूँ। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, चित्र भी हैं, असली चित्र तो है नहीं, भारतवासियों से सुनते हैं, इनकी पूजा बहुत होती है, तो गीता में लिख दिया श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को भला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता, वो तो सबको कह देते। इसे कहते हैं अंधेर नगरी। कोई भी पतित मनुष्य को कभी लॉर्ड नहीं कह सकते। आज के पतित मनुष्य कहाँ शिव और कहाँ निराकार शिव और कहाँ आज के मनुष्य, कहाँ ये आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव, कहाँ श्री कृष्ण। हम सब जानते हैं श्री कृष्ण जी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सत्युग के फर्स्ट प्रिंस हैं, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना। बाबा कहते, मैं जो तुम्हें ज्ञान देता हूँ फिर ये गुम हो जाता है, मैं आकर नई दुनिया स्थापन करता हूँ, ज्ञान भी मैं अभी देता हूँ। मैं जब ज्ञान दूँ तब बच्चे सुने, मेरे बिगर कोई सुना ना सके, जानते ही नहीं। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वो कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। जो सन्यासी हैं वो कभी नहीं कह सकते कि निराकार गॉड को याद करो, कभी सुना? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं। अब बाबा कहते हैं, बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते, न समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं, ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा को रचने वाला। परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे, भगवान प्रजा नहीं रचते, भगवान के सब आत्माएं बच्चे हैं। फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं, कोई किसने अडॉप्ट किया, तुमको किसने अडॉप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा बाबा ने एडॉप्ट किया। ब्राह्मण जब बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे ना, जब ब्राह्मण बने तब देवता बनेंगे। ये बात तुमने कभी सुनी? पहले कभी नहीं सुनी। प्रजापिता का भी जरूर पार्ट है, एक्ट चाहिए ना, इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुक वंशावली भी हो ना सके, वह कुक वंशावली ब्राह्मण कहेंगे, हमारा सरनेम है ब्राह्मण, नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब हैं जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करें। ये नई बातें हैं, बाबा खुद कहते मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी नहीं जानते। तभी तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कह गए, ना परमात्मा को जानते हैं ना उनकी रचना को जानते हैं। बाबा कहते मैं आकर अपना परिचय दूं तभी तो जाने। इन देवताओं को वहां ये पता थोड़ा ही पड़ता है कि हमने राज्य कैसे पाया। सतयुग के देवी देवता ये नहीं जानते कि राज्य हमें कैसे मिला, इनमें ज्ञान होता ही नहीं। पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार नहीं, ज्ञान चाहिए सदगति के लिए। ये तो सदगति को पाए हुए हैं, ये बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं, समझदार ही समझें। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं, वो ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना अपना पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे ईश्वर बुद्धि दो, सबको एक जैसी बुद्धि हम दें तो सब नारायण बन जाएं। बड़ी ही रोचक बात। बाबा कहते अगर मैं सबको ही एक जैसी बुद्धि दे दूं तो सभी नारायण बन जाएं, सबको एक जैसी हम बुद्धि दें
सब नारायण बन जाएं, सब एक दो के ऊपर गद्दी पे बैठेंगे क्या? एम ऑब्जेक्ट है ये बनने की, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। नहीं तो पुरुषार्थ अनुसार अगर सब हाथ उठाएं हम नारायण बनेंगे तो बाबा को अंदर में हंसी आएगी ना, सब एक जैसे बन कैसे सकते हैं? नंबरवार तो होते ही हैं, नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। भले एम ऑब्जेक्ट ये है परंतु खुद समझ सकते हैं ना, चलन ऐसी है तो हम क्या पद पाएंगे? अगर चाल चलन अच्छा नहीं तो हम क्या पद पाएंगे? पुरुषार्थ जरूर करना है। बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल दे भी सकते परंतु ऐसा करते नहीं हैं, फंक हो जाएंगे। बाबा जानते, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं, ये अच्छा फूल है। पीछे नंबरवार तो होते ही हैं, बहुत पुराने भी बैठे हैं परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल हैं। कहेंगे नंबर वन ऑनेस्ट फूल हैं, कोई खिचपिट ईर्ष्या आदि नहीं है, बहुतों में कुछ ना कुछ खामियां जरूर हैं। संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बहुत बहुत मेहनत चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बने उसके लिए बहुत बहुत मेहनत चाहिए। अभी कोई संपूर्ण बन ना सके, अभी अच्छे अच्छे बच्चों में ईर्ष्या बहुत है, खामियां तो है ना। बाबा जानते सब किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं, दुनिया वाले क्या जाने, वो तो कुछ समझते नहीं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ जाते, बेहद का बाप आया है पढ़ाने के लिए, उस बाप को याद करने से पाप कट जाएं। हम बाबा के पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा मिलेगा। नंबरवार तो होते ही हैं, 100 से लेकर 1 नंबर तक, परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा को जान लिया, थोड़ा भी ज्ञान सुना, स्वर्ग में जरूर आएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम बात है क्या? ऐसा तो नहीं कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग में गया, स्वर्ग है ही कहाँ? कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, स्वर्ग कहते किसको हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, ये सिर्फ तुम जानते हो तुम भी मनुष्य परंतु तुम ब्राह्मण बने हो, अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो, तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है। तो सन्यासियों से भी पूछ सकते हो ये जो महावाक्य व भगवान वाच है कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो, क्या ये श्री कृष्ण कहते हैं? मामेकम याद करो, तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं कहेंगे, वहां ही प्रसिद्ध हो जाए। परंतु बिचारी अब लाई जाती हैं, वो क्या जाने, वो अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा का नाम है ना, उसमें अहंकार बहुत रहता है, फॉलोअर्स ढेर, भक्ति का राज्य है, उनसे पूछते कि कोई में ताकत नहीं रहती। नहीं तो उनको कह सकते हो कि तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो, भगवान किसको कहेंगे? तुम शिव बाबा की पूजा करते हो, भगवान किसको कहेंगे? क्या सभी में परमात्मा है? आगे चल इन बातों को समझेंगे, अभी नशा कितना है, हैं सभी पुजारी पूज्य नहीं कहेंगे। बाबा कहते मेरे को कोई विरला जानते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं तुम बच्चों में भी विरले कोई एक्यूरेट जानते हैं। हम सब जानते कि बाबा रूप में ज्योति स्वरूप और गुणों का सागर है, बाबा का जो सत्य स्वरूप है उसको कोचों में कोई, कोई में भी कोई जानते हैं। उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है जो बाबा को जान गए, पहचान गए, संबंध जोड़ लिया, वो अंदर में बहुत खुशी में रहते। ये तो समझते हैं ना, बाबा ही हमें स्वर्ग की बादशाही देते, कुबेर के खजाने मिलते, अल्लाह वल्दीन का खेल दिखाते हैं, छक्का करने से खजाना निकल आया, बहुत खेल दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे इस पर कहानी है, पुल पर जो आता था उनको एक दिन की राजाई देके रवाना कर देता था, ये सब कहानियां हैं। अब बाबा समझाते खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, खेलते भी हैं। शिव बाबा का ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है,
तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे ना। बाबा को याद कर खेलते हैं तो दोनों इसमें हैं तो दो ना, बाप और दादा। परंतु कोई भी समझते नहीं, कहते रथ पर आए तो फिर वो घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया। ऐसे भी नहीं कि श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ कर ज्ञान देते हैं, वो फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान हो आज, ब्रह्मा के रथ में आए, इसका यादगार घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया। बाप कहते हैं अपना और रचना के आदि मध्यंत का मैं परिचय देता हूँ, जो बात कोई भी नहीं जानते, सेंसिबल जो होंगे वो बहुत बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को सन्यास करना है, तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो, जानते हो ये पुरानी खाल है, हमें अब नई दुनिया में जाना है। ये पुराना शरीर है, हमें नई दुनिया में जाना है। हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं, यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, हम रहवासी हैं परम धाम के। ये तुम बच्चे जानते हो वहाँ निराकारी झाड़ कैसा है। मूल वतन में सब निराकार आत्माएं हैं, सब आत्माएं वहाँ रहती हैं, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। कुछ सेकंड के लिए तीसरे नेत्र से निराकारी झाड़ को देखेंगे। निराकारी दुनिया, ऊपर ज्योति स्वरूप शिव बाबा और नीचे उस प्रकाश का अनुभव करती हम ज्योति बिंदु आत्माएं। बाबा कहते तुम इस निराकारी झाड़ को भी जानते हो, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। कितनी करोड़ों जीवात्माएं हैं, इतने सब कहाँ रहते हैं निराकारी दुनिया में। बाकी सितारे तो आत्मा नहीं है, मनुष्यों ने इन सितारों को भी देवता कह दिया, परंतु ये कोई देवता है नहीं। ज्ञान सूर्य एक शिव बाबा को कहेंगे तो उनको फिर देवता थोड़े ही कहेंगे। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी, ये है भक्ति की सामग्री। बाबा कहते हैं ये है आयरन एज, सत्युग है गोल्डन एज। वहाँ कौन रहते थे, देवी देवताएं, वो कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। समझते भी हैं पुनर्जन्म लेते हैं, बाबा ने समझाया पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए, पतित बन गए। और किसका भी धर्म बदली नहीं होता, इनका धर्म क्यों बदली होता किसी को पता नहीं। बाबा कहते धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। देवी देवताएं तो पवित्र जोड़े थे, रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए तो देवी देवता कहला ना सके, इसलिए फिर अपने को हिंदू कहने लग गए, देवी देवता धर्म के बदले हिंदू कहने लगे। जरूर शिव बाबा ने आकर के ही देवी धर्म की स्थापना की। शिव जयंती शिवरात्रि मनाई जाती, परंतु उसने क्या आके किया किसी को पता नहीं। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक ही गीता है जो शिव बाबा ने सुनाई, और कोई शास्त्र है नहीं। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता नहीं, तुम नई दुनिया में चले जाते हो। सत्यों में कोई भी शास्त्र गीता आदि होता नहीं, वहाँ कौन पढ़ेंगे, वहाँ तो कह देते वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते, उनको कुछ पता नहीं। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं, बाबा ने देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार, वहाँ शास्त्र होते नहीं। अब बाबा ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी, इससे बुद्धि का ताला खुला। बाबा ने जब चाबी दी, बुद्धि का ताला खुल गया, ज्ञान मिला, बुद्धि का ताला खुल गया। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है किसी से भी ईर्ष्यादि नहीं करनी, खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई से भी ऊंच पद पाना है, शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी, अहंकार नहीं रखना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी,
खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है, शरीर सहित सब कुछ संन्यास करते, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी, अहंकार नहीं रखना। वरदान है अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, बाहरे में श्रेष्ठ आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो निश्चिंत रहेंगे। ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जहां निश्चिंत होते हैं वहां पर, जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत होते हैं। अपनी जिम्मेवारियां बाप के हवाले कर दो, सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। टेंशन से सुनेंगे, दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, वारे में श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ये अविनाशी अधिकार निश्चित है। जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत रहते हैं। अपनी सब जिम्मेवारियां बाप के हवाले कर दो तो चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, जो उदारचित विशाल दिल वाले हैं वो एकता की नींव है। जो उदारचित हैं, विशाल दिल वाले हैं, वो एकता की नींव है। आज हम याद रखेंगे, वारे में श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। अपने भाग्य का स्मरण करेंगे, ब्रिकुटी सिंहासन पर अपने चमकते हुए स्वरूप को देखेंगे। वारे में श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, स्वयं भगवान मेरा हो गया, मेरा भाग्य चमकने लगा। इतना बड़ा अधिकार मेरे लिए निश्चित है, इसीलिए मैं निश्चिंत हूं। जो भी सूक्ष्म में कोई बोझ है सब बाबा को देते जाए। बाबा से शक्ति लेते जाए, सबको देते जाए। बारे में श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, बाबा से शक्तियां लेकर दूर दूर तक फैलाए। महसूस करें, बाबा कहते ही खजाने जमा हो जाते हैं, शक्तियां मिल जाती हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।